वहीं मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे भारत पाकिस्तान मैच की, जो शनिवार को अहमदाबाद में होने जा रहा है। दोनों ही टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। मैच को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह है, तैयारियां भी जबरदस्त हैं। रेलवे ने मुंबई से अहमदाबाद तक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भारत की टीम पहुंच चुकी है, पाकिस्तान की भी टीम यही मौजूद है। बस एक दिन और फिर होगा वो महामुकाबला जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, वो महामुकाबला जिसके लिए अहमदाबाद तैयार है। गुजरात के लिए ये मौका खास है, भारत और पाकिस्तान का मैच भी है और साथ ही नवरात्र का त्योहार। लोग भारत पाकिस्तान की थीम पर टैटू बनवा रहे हैं। हाँ, अभी देखा जाए तो अभी इस बार ऐसा हुआ है कि दो चीज़ एक साथ हुए, एक साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है और ऊपर से एक नवरात्रि भी है, तो अपने गुजरात के लिए दो चीज़ एक साथ है कि सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। तो अभी नवरात्रि का तो माहौल हर साल जैसे गुजरात में होता है वो तो एक वो ही शानदार ही होता है, और ऊपर से भारत पाकिस्तान का मैच भी अपने 14 तारीख को आ रहा है और वर्ल्ड कप भी है, तो लोगों में उत्साह दो गुना है अभी। मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है, लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं है कि टिकट लेने के लिए लोगों ने कितनी मशक्कत की होगी। 5 मोबाइल और 3 लैपटॉप पे 1.5 घंटा वेट करके, जब क्यू में से नंबर लगता था ऐसा करके हमारे 6 टिकट मेरे फैमिली को सबको मिले हैं, अलग अलग दो दो टिकट का 3 सेट मिला है। मैच शनिवार को है लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा अभी से लग रहा है। क्रिकेट के दीवानों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। उम्मीदें मुझे सबसे ज्यादा हमेशा जसप्रीत बुमराह से ही रहती है, मेरा फेवरेट प्लेयर वही है, और बैटिंग में विराट कोहली और अपना हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी। भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए पूरे देश से लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि शहर के 90% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। उधर मुंबई के क्रिकेट प्रेमियों को अहमदाबाद लाने के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। माया नगरी से अहमदाबाद के लिए खास ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन स्पेशल है लिहाजा लोगों को थोड़ा ज्यादा किराया देना होगा। जो मुंबई से अहमदाबाद जितनी ट्रेन चल रही है वो सारी ट्रेन फुल हो गई हैं। इसको देखते हुए हमने स्पेशल ट्रेन सर्विसेज चलाई है, एक सेवा चलाई है जो कि 13 तारीख को रात्रि में 21:30 में, यानी कि 9:30 PM को मुंबई सेंट्रल से निकलेगी और नेक्स्ट डे सुबह यानी कि 14 के सुबह को 5:30 पर अहमदाबाद पहुँचेगी। सिमिलरली मैच के उपरांत 15 तारीख के सुबह 4 बजे वो अहमदाबाद से निकलेगी और सेम ही डे 12:10 में 12:10 पर ये मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। और इसमें इसका भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी फुल्ली बुक हो जाएगी, और अगर फर्दर डिमांड आती है तो एडिशनल सर्विसेज और भी हम लोग प्लान करेंगे 13th के नाइट को चलाने के। लोगों में उत्साह इतना है कि 12 बजे जब टिकट विंडो खुले या ऑनलाइन इस टिकट की सुविधा को शुरू किया गया बिक्री की, तो पूरी टिकट जो है वो तुरंत ही बिक गई। इस सुविधा से लोग आराम से यात्रा भी कर पाएंगे और मैच का लुत्फ भी उठा पाएंगे। दो ट्रेन जो हैं वो एक 14 को चलेंगी, एक 15 को चलेंगी। वैसे ही मैच समाप्त होने के बाद भी 15 और 16 को रिटर्न होने के लिए भी ट्रेन चलाई जा रही हैं। हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयारी भी हाई वोल्टेज है। बस एक दिन और। आज तक ब्यूरो।